नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका, मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट बजट वेबिनार के पहले कार्यक्रम में ग्रीन ग्रोथ पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने ये कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी में दुनिया में लीड कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा, उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े लोगों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन ग्रोथ भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट एक अवसर तो है ही, इसमें सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी समाहित है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एग्री वेस्ट की कमी नहीं है, ऐसे में देश के कोने कोने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को नहीं छोड़ना चाहिए। भारत में 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस के उत्पादन की संभावना है। उन्होंने भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बताया। पोस्ट बजट वेबिनार जो है, ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, ये 11 मार्च तक चलेगा और इस वेबिनार के दौरान 12 अलग अलग सेक्टर हैं जिन पर चर्चा होगी और लोगों से बजट की घोषणाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे ग्रीन ग्रोथ को लेकर ही और इसकी आगे की राह को हम समझेंगे, क्या है ये अवधारणा और कैसे भारत इसमें लीड ले सकता है, इसके बारे में होगी चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। मेरे साथ है डॉक्टर विभा धवन जो कि डायरेक्टर जनरल हैं टेरी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विभा धवन, शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। मनोज कुमार उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी एडवाइजर हैं एनर्जी नीति आयोग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज कुमार जी। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रफुल्ल पाठक जो कि प्रेसिडेंट है सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया। मनोज कुमार जी, शुरुआत आपसे करूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले थोड़े सा बेसिक आपके जरिए। इस बार का जो बजट है वो सप्तऋषि की अवधारणा के साथ पेश हुआ है और इसमें ग्रीन ग्रोथ पर बहुत बड़ा फोकस है। सबसे पहले एक बार मैं चाहूंगी कि आप समझाइए कि ग्रीन ग्रोथ क्या है, मोटे तौर पर बताइए। तो जैसा आपने बताया कि हमारा बजट सप्तऋषि की अवधारणा पर है और उसमें 5 प्रायोरिटी सेक्टर हैं जिन्हें ग्रीन ग्रोथ में शामिल किया गया। ग्रीन ग्रोथ मतलब हम लोग जो भी विकास करना चाहते हैं उसमें स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु की विशेष भूमिका होनी चाहिए। 5 जो विशेष प्रायोरिटी सेक्टर्स या एरिया जिन पे फोकस किया गया है, उसमें से ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन फार्मिंग है। तो ये पूरे 5 सेक्टर लगभग हमारे इकोनॉमी का बड़ा अहम हिस्सा है और इन पर अगर हम फोकस करके चलते हैं तो लगभग अपने इकोनॉमी को हम लोग डीकार्बोनाइज भी कर सकते हैं। और जो भी हम लोगों ने विश्व स्तर पर अपने कमिटमेंट किए हैं कि हम लोग नेट जीरो बाय 2070 होंगे या अपडेटेड एनडीसी को हम लोग अपना 2030 तक प्राप्त करेंगे, तो उसमें ये जो 5-6 सेक्टर हैं ये काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और ये बजट इन 5 सेक्टरों में अहम भूमिका के साथ में ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी के साथ में बढ़ना चाहता है और इस तरह से हम लोग अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। प्लस इसमें साथ साथ में नए रोजगार और नए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको हम लोग तलाश रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर विभा धवन, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र किया ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन जो है, इसके लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसकी तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। अगर हम 3 स्तंभों की बात करें, इसके अंतर्गत जिन कदमों की बात इस बार बजट में या फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोहराई गई है, इसे आप कितना बड़ा विजन मानती हैं? देखिए, ये बात तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं और गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो आ रहा है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। दो तरह से विकल्प नहीं है। एक तो ये है कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसका विनाशकारी प्रकोप हम ऑलरेडी देख चुके हैं भारत में भी और जगह पर। दूसरा है, भारत में विकास होना है और इसका मतलब ये है कि हमारा जितना उत्सर्जन आज है उससे भी बढ़ने वाला है अगर हम
बिजनेस एज यूजुअल या जैसे चल रहे हैं वैसे चले, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने समय से पहले कर ली, 10% हो चुकी है और हम 20% की तरफ चल रहे हैं। और इथेनॉल हम वर्सेस फ्यूल की डिबेट में नहीं डल रहे हैं, हम कर रहे हैं जो हमारा एग्रीकल्चर रेजिड्यू बचा हुआ है उसको कैसे इथेनॉल में हम बदले। और देखिए इससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो जो हम जला रहे थे, जो हमारा एग्रीकल्चर से बचा हुआ था स्ट्रॉ वगैरह, उसको हम जलाने की जगह हम उससे ऊर्जा और या इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि एक पत्थर से आपने दो बर्ड्स को मार लिया, तो आपने वेस्ट का भी ध्यान रख लिया और दूसरी तरफ आपने अपनी एनर्जी नीड्स भी मीट कर। हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ने जा रही हैं। और दूसरी तरफ हम हमेशा बात करते हैं कि सिर्फ विकास शहर तक सीमित होकर नहीं रह सकता, हमारे गांव को भी विकास का पार्ट बनना है। बिल्कुल। और हमारा विकास की गति तभी आएगी जब हमारे गांव साथ में। बिल्कुल। तो इसलिए वहां पर हमको एनर्जी अवेलेबल करा। अब उनके पास एनर्जी ले जाने की जगह क्या हम ये भी बना सकते हैं कि वो वहीं पे एनर्जी खुद बनाए, खुद इस्तेमाल करें। और जो हमने गोवर्धन की बात करी, जो बायोगैस प्लांट्स जो हम ज्यादा बनाने जा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से, तो उससे जो हम एक तो हम बहुत बड़े स्केल पे एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं कि जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री या पूरी इंडस्ट्री कैसे वो डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाए और रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल करे। लेकिन गांव के लेवल पर भी अगर हम सीएनजी प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनके लिए तो एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ उनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन है कि उनकी रसोई में क्या क्लीन फ्यूल मिल सकता है, ऊर्जा उनकी रसोई में अच्छी वाली हरी वाली क्रिएट करनी हो सकती है। तो जब हम बायोगैस प्लांट की बात करते हैं, जब हम लकड़ी जलाने की जगह अगर हम पैलेट्स की बात करते हैं, तो उनके लिए वो एनर्जी ट्रांजिशन हो जाता है। और उससे ना केवल उनका स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो कम होगा, उससे उनके पास इतनी सारी ऊर्जा हो जाएगी कि वो और चीजों में भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, या उनके जो पेरिशेबल्स हैं वो कम से कम बेकार जाए, क्योंकि वो उनके पास फूल चेन हो जाएगी, वहां पे वो रख पाएंगे अपनी सब्जी, आज ही नहीं बेचेंगे या उसको थोड़ा ठंडा करके बेचेंगे ताकि रस्ते में खराब नहीं। तो पूरा का पूरा जो आप बात करते हैं कि हमको ग्रोथ के ड्राइवर क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्राइवर क्या होने चाहिए, तो वो वहां से शुरू होते। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह से हमारे पास ऊर्जा के, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में शायद सबसे अच्छा देश है, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं हर टाइम पे सौर्य ऊर्जा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पॉइंट को आगे लेके जाऊंगी। आपने जैसे कहा कि जिस तरह का विकास दुनिया ने देखा है, हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स भी देख रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पैदा मुश्किलें हैं उनसे अब निपटने के लिए विकल्प के तौर पर जो ग्रीन एनर्जी है उसे सब जगह अहमियत दी जा रही है, और यही हमने इस बार बजट में भी देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। प्रफुल्ल पाठक जी, जैसा अभी डॉक्टर धवन ने भी कहा कि हमें सिर्फ शहरों को ही नहीं गाँव को भी जोड़ना होगा, और कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी फोकस्ड एक तरह से विकास की बात कही जा रही है, ग्रोथ की बात कही जा रही है, उसमें हर सेक्टर को भी जोड़ना होगा, हर इलाके को भी जोड़ना होगा। ओडिशा का जो कोणार्क है पहला शहर है जिसे पूरी तरह सोलर सिटी बनाया जा रहा है। अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से विस्तार देने के लिए कई कदम सरकार उठा रही है, और सांची अब देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रही है। इसके तहत सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और सोलर सिटी बनने के बाद सांची की जो बिजली है उससे होने वाली जरूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी हो जाएंगी। तो एक तरह से जब हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, कहाँ खड़ा देख रहे हैं, किस तरफ कोशिशें जारी हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्तंभ बनने वाला है कहीं ना कहीं जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। तो बहुत अच्छे, ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो नेचुरली सोलर एक अहम उसमें हिस्सा है ही, उसके साथ बाकी भी कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, और इसी पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 स्तंभ बताए थे उसमें से उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी एक पहला स्तंभ बताया था।
तो आप जैसे कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा। 2015 में पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमने इंडिया ने जो कमिटमेंट्स, हमारे देश ने जो कमिटमेंट्स दिए थे, हम लोग उस दिशा में अग्रसर होते जा रहे हैं। गए 4-5 साल में हमारे वो कमिटमेंट के बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इस बारे में भी आज प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने अभी तक हम लोगों ने जो रास्ता तय किया है उसके बारे में भी जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि उन्होंने अभी आने वाली जो पीढ़ी है जिसके लिए हम ये क्लाइमेट चेंज है उनको अच्छी दिन या ऐसी सुविधा देना चाहते हैं कि ऐसा हो नहीं नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो इश्यूज ले रहे हैं उससे कि हमारा आगे का क्लाइमेट प्रॉब्लमेटिक हो। तो इस जो युवा है उनके लिए मेरे ख्याल से आज उन्होंने बहुत बहुत सारी चीज़ें उनको बताई हुई है कि जिसमें आगे वो क्या क्या कर सकते हैं स्टार्टअप्स के द्वारा या बाकी जो चल रहा है उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, इन पे ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया ऐसा मुझे लग रहा है। और हमारा मेन टारगेट तो यह है कि फॉसिल फ्यूल का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको कम करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव की है जो हमको लग नहीं रहा था कि हम अचीव करेंगे, वो भी उन्होंने उस बात में बताया है। और उन्होंने इस बात से आश्वस्त किया है कि सरकार अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लेना चाहिए, जो सपोर्ट देना चाहिए, वो सब दे रही है। अभी पब्लिक पार्टिसिपेशन से इसको हमको बढ़ावा देना है। जो हम लोग आत्मनिर्भर की भी बात करते हैं तो सोलर में भी अभी हम लोगों ने गए 5-6 साल में जो कुछ अचीवमेंट्स किए हैं उसमें कई सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और सोलर के द्वारा जैसे अभी आपने कहा कि रूरल सेक्टर में या इवन हमारे देश में सौर ऊर्जा बहुत बड़े पैमाने पे उपलब्ध है, तो इसको जितना ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करेंगे अलग अलग तकनीक के द्वारा हमारी जो रोज की ज़रूरतें है या हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो करेंगे वो सब एफर्ट्स अभी तक काफ़ी हुए हैं। और उसको बड़े पैमाने पे आगे लेके जाने की एक्सपेक्टेशंस हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज रखी है। और जहाँ हम लोग जो देख रहे गए 4-5 साल में जो युवाओं ने अभी तक जो काम किया है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह हम बढ़ रहे उससे जैसे आज की उनकी संबोधन में भी उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने ये चीज़ें हमारे टारगेट से पहले ही कर ली है, तो अभी 2030 के या 2070 के भी जो टारगेट्स हमारे हैं हो सकता है कि हम जिस स्पीड से अब बढ़ रहे हैं वो सब टारगेट्स भी हम उसके पहले ही अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, जो टारगेट को लेकर बात कही जा रही है मनोज कुमार जी, भारत अपने लक्ष्यों को समय से पहले कहीं ना कहीं हासिल कर रहा है और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड है ये सरकार का कि भारत अपने लक्ष्य समय से पहले हासिल कर रहा है। पावर कैपेसिटी, बिजली क्षमता में हमने 40% नॉन फसल फ्यूल में 9 साल आगे का लक्ष्य हासिल किया है, तो इस तरह की बातें हैं। अब जैसा अभी प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि 2070 तक का लक्ष्य या 2030 को लेकर जो हमने लक्ष्य रखा है, आप क्या मानते हैं कि इन लक्ष्यों को पाना क्या बहुत आसान है या इस राह में कुछ चैलेंजेस भी हैं? जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि हम लोग अपने जितने भी लक्ष्य हैं उससे बहुत पहले उसको प्राप्त कर ले रहे हैं, और उसके साथ साथ में हम लोग एक नया लक्ष्य दे रहे हैं। 2022 तक में 175 गीगावाट का एक लक्ष्य था और 2030 तक के लिए हम लोगों ने 500 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा है, और प्लस साथ साथ में जो हम लोगों ने अपने एनडीसी टारगेट है उसको भी रिवाइज कर दिया। तो ये लक्ष्य जो है सरकार के बहुमी नीतियों के मद्देनजर प्राप्त किया जा रहा है, इसमें सारी एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज और नीतियां मिलकर काम कर रहे हैं, पर कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। साथ साथ में नए स्कीम जैसे सोलर का हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम सोलर आधारित बिजली बना रहे हैं, उसको सिर्फ हम लोग बिजली ही की तरह से प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से भी प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो निकाला गया है वो बहुत हद तक बहुत ढेर सारी सोलर से आधारित चलने वाली जो बिजली है उसको लेने वाला है, और साथ साथ में उसमें जो विंड से चलने वाली जो है ऊर्जा है उसको भी लेने वाला है। तो जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो नीतियों का परिणाम है कि हम अपने लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर ले रहे हैं, प्लस जो भी समस्याएं साथ साथ आ रही है उन नीतियों के द्वारा उसको दूर कर रहे हैं, प्लस कुछ समस्याएं हैं जिनको अभी भी दूर करना बाकी है और हम उन लक्ष्यों को और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम लोग विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं, अभी तो अब जो भारत है वो विश्व में 4th स्थान पर है पूरी तरीके से हरित ऊर्जा को लगाने में, और उसको पहला स्थान प्राप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। कुछ समस्याएं हैं जिसमें स्टेट का जो है बहुत बड़ी बड़ी भागीदारी है,
और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, कई कारण उसमें हैं। अगर कुछ ये स्टेट की समस्याएं हैं, इसमें कुछ लैंड एक्विजिशन की समस्याएं हैं, कुछ फंडिंग की भी समस्याएं हैं और डिस्काउंट की समस्याएं हैं, इन तीन चार समस्याओं को अगर हम लोग ठीक कर पाते हैं, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, तो ये जो लक्ष्य रखे गए हैं ये बहुत जल्दी प्राप्त कर लिए जाएंगे और हमारा देश विश्व में नंबर एक स्थान पर होगा हरित ऊर्जा के को प्रयोग करने में भी और लगाने में भी। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि 2047 तक हमको एनर्जी इंडिपेंडेंस होना है। आज के डेट में हम लोग अपनी 85% ऊर्जा को बाहर से लाते हैं, जिसमें बहुत ढेर सारा ऑयल एंड गैस है, तो हम लोग अपने आप को सिर्फ अपने लिए ही ऊर्जा जो है उत्पादित करने का लक्ष्य नहीं रखना है कि हम लोग खुद उत्पादित करेंगे, खुद ही कंज्यूम करेंगे। हम लोगों का ये भी लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि हम किस तरह से हम लोग ऊर्जा को एक्सपोर्ट कर सके, बाहर भेज सके। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें इस बात का पहली बार प्रयास किया गया है कि हम लोग पहली बार भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा ऊर्जा का, हम लोग ग्रीन एनर्जी और ग्रीन अमोनिया के माध्यम से। तो सिलसिला हमारा ग्रीन ऊर्जा का चल रहा है, हरित ऊर्जा का चल रहा है, ये इसमें हम लोग नंबर एक भी होने वाले हैं, साथ साथ में हम लोग इसमें बहुत सारा आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। ठीक है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है, जो भारत सरकार ने बनाया है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो बनाया हुआ है, इन दोनों प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग अपनी आवश्यकता को ही नहीं पूरा करने वाले हैं, साथ साथ में हम लोग बहुत सारे बाहर के देशों की आवश्यकता को पूरा करने वाले हैं। इससे हमें जो है बहुत सारा विदेशी मुद्रा का जो है निर्यात का जो है हमें वो ही मिलेगा, प्लस साथ साथ में जो रोजगार, बेसिकली रोजगार परक भी जो ये क्षेत्र बनाया जा रहा है, तो हम लोग इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर धवन, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा है, कुछ चैलेंजेस का जिक्र भी मनोज जी ने किया है, आगे मैं चाहूंगी आप भी जो तमाम चुनौतियां हैं उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितनी कमांडिंग पोजीशन में भारत होगा ये दुनिया के लिए उतना अच्छा होगा, और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारत एक तरह से लीड ले सकता है, और ये ग्रीन जॉब्स तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ जो ग्लोबल गुड है उसमें मदद करेगा। कितना आप मान रही हैं कि भारत एक तरह से लीड ले सकता है, जिस तरह से हम लक्ष्यों को पहले हासिल कर रहे हैं, जो कुछ चैलेंजेस की बात की है कि एनर्जी को लेकर जो अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है वो अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी रफ्तार जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें आप मान रही हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? जब भी हम नई टेक्नोलॉजी लेते हैं तो उसमें चुनौती नहीं होगी, ये तो कभी नहीं होगी। बिल्कुल, चुनौतियाँ आई। अब देखिए, जैसा अभी मनोज जी ने बताया कि हम एक तरह से हिंदुस्तान, हम इतना सारा पैसा बाहर भेजते हैं क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल नहीं है। उसके साथ साथ एक तरह से कि आपका पूरा का पूरा बजट हमेशा अपसेट होता जाता है कि क्रूड ऑयल की क्या प्राइस। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, भारत में जो हम सौर्य ऊर्जा से एनर्जी बनती है वो यूरोप के मुकाबले आधे दाम पे बनती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दिन सूर्य ऊर्जा रहती है और उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि उसकी प्रोडक्शन से बिल्कुल भारत बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है कि सोलर पैनल्स जो है वो भी हिंदुस्तान में बने। हिंदुस्तान एक तरह से हमारा भारत यूनिक देश है, हमारे पास मैनपावर है, जो हम यंग मैनपावर की बात करते हैं, हमारे लोग हिंदी है, हमारे लोग इनोवेटिव है, हमारे यहाँ स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, तो हम सारे की सारी चीजें जो एक तरह से नई टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, और उससे भी ज्यादा जो एक हमारे डीएनए में डला हुआ है कि हर चीज को कम से कम दाम पे बनाओ, हर चीज से जो लाइफ जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है उसमें भी ये है कि आप रिसाइकिल करो। तो हमारा जो मॉडल बनने वाला है उसमें है कि आपने एक बार सोलर पैनल की जब उम्र या जो कुछ उसने करना था खत्म हुआ, तो उसमें से आप रेयर एलिमेंट कैसे निकालोगे और दोबारा इस्तेमाल करोगे, तो हम डिजाइन की तरफ भी जा रहे हैं। तो तरफ है कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएं। दूसरी तरफ हम लोग अभी विकास कर रहे हैं, तो हम जो कुछ करेंगे उसको साथ साथ हम इस्तेमाल में लाएंगे, तो हमें कुछ तोड़ के नहीं बनाना, हमें नया बनाना। तीसरी चीज कि हमारे रूल क्या कहते हैं, हमारे एक तरह से सरकार क्या डायरेक्शन दे रही है। तो जो कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट्स आई है 1 जनवरी से, वो भी यही बात करती है कि अगर आपकी बिल्डिंग का साइज इससे बड़ा है तो आपको कितना परसेंट उसमें
रिन्यूएबल लाना ही लाना है। तो एक तरह से कि आपके लिए मैंडेटरी भी होता जा रहा है वॉलेंटरी से, दूसरी तरफ ये नहीं है कि मैंडेटरी कर रहे हैं कि दूसरे के पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है। तो जो हमारी रेजिस्टेंस रहती है कि बदलाव की तरफ, हमको उससे भी उभर के आना। चुनौतियां बिल्कुल है, और स्पेशली नई टेक्नोलॉजी, जैसे जब हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें क्या जो टेक्नोलॉजी है आज वो मैच्योर है, हमको उसमें और क्या करना है, उसमें हमको किस तरह के लोग चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कैसी करनी है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम चार्ज कहाँ पे करने वाले हैं, उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितने साल चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा बीच में ही कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी जैसे कि हाइड्रोजन है। तो इसलिए ये एक बहुत डायनामिक तरह की सिचुएशन है जिसमें हमको हर टाइम देखते रहना है, पॉलिसी को देखना है, हमको डेवलपमेंट हिंदुस्तान इंडिया में देखनी है, बाहर देखनी है, और क्या हम बाहर से लेके आए, क्योंकि इट इज ये नहीं है कि हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है या हमको बाहर से टेक्नोलॉजी डेवलप लानी है, हमको को डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है, क्योंकि हमारी जरूरतें, हमारे यहाँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, हमारी जरूरतें विकसित देशों से बहुत फर्क है। बिल्कुल, और तो एक तरह से सबको साथ लेके चलना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, और जैसा संभावनाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं कि बहुत जल्द अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, और ऐसे में हम जानते हैं कि समय के साथ जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो भारत के लिए भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगी। प्रफुल्ल जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर धवन ने भी सोलर एनर्जी का जिक्र किया है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं भारत ने किस तरह से लीड किया, अगर एक उदाहरण के तौर पर इसको हम देखें, और बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विकास हुआ है। अब इसके सदस्यों की संख्या 110 तक पहुंच गई है, और जो बिजली की सुविधा से वंचित करीब 70 करोड़ लोग हैं उन तक दुनिया भर में अच्छे स्रोतों से बिजली पहुंचाना कहीं ना कहीं इस अलायंस का मकसद है। ऐसे में आप मान रहे हैं कि एक ये बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है, जैसा डॉक्टर धवन ने भी कहा कि तमाम जो टेक्नोलॉजी को लेकर दिक्कतें हैं, डिपेंडेंसी को लेकर दिक्कतें हैं, क्या ये एक तरह से उदाहरण हमारे लिए बन सकता है आगे? आपके आपके इस जो आपने जो कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक उदाहरण है, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म होने की बात चल रही थी या उसका जो शुरुआत थी, वो सब चीज़ें हमने तब देखी थी, और आज वो जिस मकाम पे पहुँच चुका है तो उसको देखते हुए आपका जो वाक्य था या सेंटेंस था कि क्या हमने कुछ अचीव कर लिया है, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि और हमें यानी मैं इस बात को भी दोहराना चाहूँगा कि शायद दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह की कोई चीज़ अचीव कर सकेंगे। और बाकी हम अगर कुछ क्रिकेट का या इसके जो चुनौतियाँ जो हमारा सब हमारे देश का एक बड़ा खेल है जिसमें जो हम इंटरेस्ट लेते हैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा, चुनौती अगर आती है तो उसमें तहे दिल से एफर्ट्स लेना, ये शायद हमारे देश का एक हमारे देश में ये एक नॉर्मल चीज़ है कि चुनौती अगर है तो हम पूरे ताकत से उसके पीछे जुट जाते हैं। और आज सोलर एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो जो टारगेट्स 2010-2014 में हमने सोचे थे वो सब हमने उसके वो जब जिस साल के लिए हमने वो टारगेट रखे थे उसके पहले हम पहुंच चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। सो नई चीज़ कोई भी हम लोग जब करने जाते हैं तो चुनौती रहना स्वाभाविक है, लेकिन चुनौती को सामना करके उस दिशा में जो एफर्ट्स लेने चाहिए, उसके लिए जो तैयारियां करनी चाहिए, वो सब करके हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से ये दिखा दिया है कि हम ये सब अपने टारगेटेड जो सेट किए हैं उसके पहले अचीव कर सकते हैं। और आज के इस जो संबोधन है उसमें अगर मैं देखूं तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लग रही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो युवा है जो जिनके लिए हम लोग जॉब्स भी बहुत बड़े पैमाने पे इससे होने वाले हैं, उन सबको उन्होंने जो एड्रेस किया है और उनको भी कहा है कि आप सब लोगों को इसमें अभी आगे बहुत सारा परफॉर्मेंस देना है, और अगर ये सब हुआ तो हम लोग दुनिया में सबसे आगे रहेंगे, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर विभा धवन आपका, मनोज कुमार उपाध्याय जी आपका, और प्रफुल्ल पाठक जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए, और ग्रीन ग्रोथ को लेकर, हरित ऊर्जा और सतत विकास को लेकर ये तमाम चर्चा करने पर के लिए।
पूरी दुनिया पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलों से लगातार जूझ रही है। दरअसल ज्यादा मात्रा में हो रहे कार्बन उत्सर्जन की वजह से जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और उसके क्या असर हो रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, किस तरह की मुश्किलें हैं ये हम सब देख रहे हैं। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हुई मुश्किलों से निपटने का जो विकल्प है वो ग्रीन एनर्जी ही है, इसीलिए पूरी दुनिया इसे अहमियत दे रही है और भारत में भी इसे लेकर तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों का जिक्र हमने आज किया भी है। और लक्ष्य से जो लक्ष्य हैं उन्हें समय से पहले हासिल करने का एक तरह का रिकॉर्ड जो भारत का रहा है वो अच्छे संकेत भी दे रहा है, लेकिन इस राह में कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर ध्यान देकर भारत ग्रीन ग्रोथ के मामले में दुनिया का सिरमौर बन सकता है। इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।